2019 को आतंकवादियों ने हमारे सेना की एक टुकड़ी जब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रही थी तो उस पर आत्मघाती हमला। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज की वीडियो की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के गढ़ीकंड एरिया से। वीडियो को शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पहाड़ी रॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में CRPF के 45 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, जहाँ पर आतंकवादियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। ये दिन हमेशा के लिए भारतीय सेना के लिए काले दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी 14 फरवरी को 2019 को आतंकवादियों ने हमारे सेना की एक टुकड़ी जब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रही थी तो उस पर आत्मघाती हमला हुआ और हमने अपने देश के महान जो सैनिक जिनके बलबूते पर ये देश टिका हुआ है अपनी जान गंवाई। मैं उन शहीदों की आत्माओं के लिए अपने अराध्य देव से प्रार्थना करता हूं कि युद्ध स्मारक बन रहा है उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी इनका कार्य इन प्रोग्रेस पे है, पर बड़ा अच्छा बन रहा है। हो सके तो आप लोग पक्का यहां पर आएँ, घूमने आएँ और अपने देश के शहीदों को याद करें। Thank you.
ये उन शहीदों के नाम हैं जो उत्तराखंड जैसी देवभूमि, वीरों की भूमि जिसको उत्तराखंड को कहा जाता है, वहाँ के वो उन सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने वीर को त्यागा है देश के लिए और अमर हुए हैं। ये शहीदों के नाम हैं जो जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए अमर अमर के लिए यहाँ पर स्मारक में लिख लिया गया है। हर एक दीवार पर हमारे उत्तराखंड के शहीदों का नाम है। ये आप देख रहे हो बड़े अच्छे डेकोरेटेड तरीके से एक सोच समझ के यहाँ पे ये बनाया गया है। कार्य जो है अभी इन प्रोग्रेस में चल रहा है, अभी मूर्ति का अनावरण बाकी है। अच्छा दोस्तों, अभी यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, चलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर।